जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, 28 जनवरी शनिवार का दिन। आज अश्वनी नक्षत्र शाम 7:06 तक केतु का प्रभाव, उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव। माघ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, साध योग 11:55, उसके बाद शुभ योग। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, आज केतु शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है। तुला राशि वालों, आज आपका सौभाग्य जाग रहा है। पूरे 16 साल के बाद आज आपकी कुंडली में केतु और शुक्र ऐसा संयोग बनाए हैं जो आपके लिए बड़ा ही शुभ और सौभाग्य देने वाला होगा। केतु के प्रभाव से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। केतु के प्रभाव से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा और केतु के प्रभाव से ही सौभाग्य आपका जागेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, शुभ परिणाम मिलेगा, भाग्य का सितारा बुलंद होगा और आपके जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति आरंभ हो जाएगी। केतु ऐसा ग्रह है जिसमें इच्छा शक्ति है, जिसमें साहस है, जिसमें पराक्रम है, जो जीवन को गति दे सकता है, आपके जीवन को संवार सकता है, आपके भाग्य को निखार सकता है, आपके जीवन में सुख लाकर दे सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र आपके लग्न का स्वामी है। शुक्र के प्रभाव से आपके इरादे बुलंद होते हैं। शुक्र के प्रभाव से जीवन का सुख मिलता है, भाग्य का सितारा चमकता है और आपके जीवन में आपको सक्षम बनाता है। बड़े भाग्यशाली आप हैं, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। आपकी कुंडली में पूरे 16 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जो आपकी किस्मत को बदल दे, जो आपके भाग्य को चमका दे, जो आपके जीवन में सफलता की राह बना दे। तुला राशि वालों, 28 जनवरी शनिवार का दिन है, साध योग 11:55 तक, उसके बाद शुभ योग। शुभ योग में तो आपके लिए बड़ा सुख संपत्ति का योग बनता है। अश्वनी नक्षत्र शाम 7:06 तक केतु बड़ा प्रभावशाली है, उसके बाद भरणी नक्षत्र शुक्र बड़ा प्रभावशाली बनेगा। केतु और शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है। तुला राशि वालों, आज आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है और लग्न का स्वामी शुक्र शनि के साथ पंचम भाव में, यानी आपके जीवन में अपार खुशी, बेशुमार धन कमाने का अवसर भी केतु लेकर आया है। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन का सुख संपत्ति आपको प्राप्त होगा। शनि के साथ शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव केतु के ऊपर, शनि का प्रभाव राहु के ऊपर। आज राहु भरणी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है, तो केतु राहु के प्रभाव से स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ऊर्जा शक्ति से लाभ होगा, सुखी संपन्न जीवन होगा। केतु बड़ा भाग्यशाली बना रहा है और शनि और शुक्र शुभ परिणाम लेकर आया है। कर्म से सफलता, भाग्य से सुख, समृद्ध होकर जीवन में मान प्रतिष्ठा। केतु का प्रभाव आज आपके ऊपर प्रबल है। इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा है, अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, लग्न में केतु, आपके पराक्रम स्थान में बुध, सुख स्थान में सूर्य, पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र और छठे भाव में बृहस्पति का प्रभाव है और सप्तम भाव में चंद्रमा का उदय हुआ है। केतु की शुभ स्थिति आपके जीवन में बड़ा सुख लेकर आया है। केतु आपको मजबूत और आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है, आपकी इच्छा शक्ति को जगा रहा है, आपके पराक्रम को,
आगे बढ़ा रहा है, शुभदायक है, फलदायक है। अब आपकी कुंडली में अच्छे दिनों की शुरुआत आरंभ हो चुकी है। अब आपको बिजनेस में भी लाभ होगा, नौकरी में भी तरक्की होगी। स्टूडेंट के लिए समय बड़ा शुभ है, बड़ी सफलता और सफलता के झंडे आप गाड़ेंगे। विदेश जाने का संयोग भी बना हुआ है, सफलता हासिल करने का सामर्थ्य भी है। जीवन को एक नई पहचान और अपने जीवन की परेशानी पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी आज आप में है। तुला राशि वालों, आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, जीवन में आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। निश्चित ही आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ होने वाला है। ये समय जीवन में खुशी के साथ आगे बढ़ने का है। विजय प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का है। अपने कार्य कुशलता से सुख पाने में आप निपुण हैं। स्त्री से प्यार और साहस पराक्रम करने वाले तुला राशि वालों, अब आप विजय प्राप्त करेंगे, अब आपको सफलता मिलेगी, जीत हासिल करेंगे। क्योंकि शनि और शुक्र का गोचर जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, उन्नति दायक, धन दायक, सुखदायक है। परिवार की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूती देगा और आपके जीवन में आगे बढ़ने का साहस देगा। वहीं केतु की शुभ स्थिति लग्न के ऊपर आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति को जगा रहा है। कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है, जो आपके जीवन में अपार सफलता, बेशुमार धन, आपकी इच्छा शक्ति को जगा रहा है और आपके जीवन में तरक्की का रास्ता बना रहा है। अब आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो जाएगी। अब आपके जीवन में सुख संपत्ति का प्रभाव बढ़ेगा। अब आपके जीवन में समृद्धि सौभाग्य का सुख मिलेगा। बेहतर समय आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में केतु लग्न के ऊपर बैठा है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है। आप बहुत धन कमाएंगे, बड़ी सफलता पाएंगे, लोकप्रियता आपकी चरम पर होगी और भाग्य आपका बुलंद होगा। धन दौलत में अपार वृद्धि, व्यापार नौकरी प्रेम संबंध में बड़ा लाभ होने का योग है। कारोबार अच्छा चलेगा, मन खुश रहेगा, कोई बाधा विघ्न अब आपके जीवन में नहीं है। बड़े लाभ, बड़े सौभाग्य का योग है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी शनि और चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। समय आपके लिए सफलता, सौभाग्य, लाभ, धन और आपके जीवन में खुशी और सुख लेकर आया है। शनिवार का दिन बेहतर लाभ के अवसर, आगे बढ़ने का योग। ये जो समय है आपके लिए बड़ी तरक्की, उन्नति, सौभाग्य, धन और जीवन में सुख को बढ़ाएगा। आज चंद्रमा आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। चंद्रमा जो आपके जीवन में समृद्ध होकर आगे बढ़ने का अवसर देता है, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आज अश्वनी नक्षत्र केतु और भरणी नक्षत्र का शुक्र, मंगल बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ा सौभाग्य और स्वाभिमान, अद्भुत क्षमता, आपकी इच्छा प्रबल है, धन संपत्ति बढ़ेगी, आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और लाभ होगा, जीवन में सुख बढ़ेगा, शुभ काम होगा। यानी आपके लिए समय बेहतर है, बेहतर समय का लाभ उठाएं। अगर आज आप केतु को खुश करेंगे तो केतु आपके भाग्य को बदल देगा। केतु को खुश करने के लिए भगवान गणेश का ध्यान करें, सफेद फूल चढ़ाएं, दुर्भा चलाएं, लाभ होगा। ओम के केतुए नमः का जाप करें, सफेद तिल बहते हुए जल में प्रभावित करें, बड़ा लाभ होगा। तो केतु का प्रभाव आज आपके लिए बड़ा शुभ है और आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आज राहु काल 9:53 से 11:13 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 6 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:18 का समय
आपके लिए केतु का प्रभाव प्रबल होगा, जबकि अमृत काल 11:45 से 1:23 मंगल बृहस्पति की दृष्टि आपकी जीवन को शुभता देगा और अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 शुक्र का प्रभाव जीवन में सुख लाकर समृद्धि और सौभाग्य लाकर देगा, जबकि विजय मुहूर्त 2:22 से 3:05 सफलता कामयाबी भरा होगा। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लकी कलर नीला है, लकी नंबर 6 है। शनिवार का दिन बड़ा भाग्यशाली योग, क्योंकि आज केतु शुक्र का प्रभाव आपके लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आया है। केतु और शुक्र का 16 साल के बाद बना संयोग बहुत शुभ है, शुभ परिणाम देगा। केतु को खुश करें, केतु आपके भाग्य को बदल देगा। भगवान गणेश की पूजा करें, बड़ा लाभ होगा, बड़े सौभाग्यशाली आप होंगे। तुला राशि वालों के लिए आज जीवन में धन संपत्ति सफलता, व्यापार नौकरी में लाभ, प्रेम संबंध में सुख शांति, संतान की तरक्की और परिवार की उन्नति सब कुछ मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।